चीज़ें चाहिए। हम लेंगे कॉलीफ्लावर, टमाटोस, पोटैटो, कैप्सिकम। इन सबको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इन सबको एक साथ में ही बॉईल करेंगे। हमने सब वेजिटेबल्स एक साथ कुकर में डाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर वाटर डालेंगे। हमने इसमें पानी डाल दिया है। आपको जो वेजिटेबल पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हो इसमें। अब हम इसे लीड लगा देंगे और इसके 3 वेसल्स ले लेंगे ताकि हमारे वेजिटेबल्स अच्छे से बॉईल हो जाए। मिलते हैं बॉईल होने बाद। हमारे वेजिटेबल्स बॉईल हो चुके हैं अच्छी तरह से। अब हम इसे मैश कर लेंगे। हमने वेजिटेबल्स को मैश कर लिया है। अब हमने एक कढ़ाई में तेल गरम के लिए रख दिया, उसमें डालेंगे हम ऑनियन। अब हम इसे गोल्डन फ्राई करेंगे। ऑनियन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हम पहले इसमें टर्मरिक पाउडर डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे और धनिया पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें सब वेजिटेबल्स डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। हमें इसे हल्की आंच पर पकने देना है। हमारी भाजी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। अब हम इसमें पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमें इसे मसाला डालने के बाद 10 मिनट और पकाना है। हमारी भाजी रेडी हो चुकी है। हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारी भाजी रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं पाव टोस्ट करने की तरफ। हमने तवे के ऊपर बटर डाल दिया है। अब हम इस पर थोड़ी सी भाजी डालेंगे। हम इसके ऊपर पाव रखते जाएंगे और लगे बस।